Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज मैं आप लोगों के साथ ना एक बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ डोंट लुक एट माई आईज ये इस मेकअप ट्यूटोरियल uh, में इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज आज ना मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही बेसिक थिंक बेसिक थिंग्स के बारे में लाइक like, uh, जैसे हम बेसिकली हम बेसिक अपना बेस मेकअप कैसे बनाते हैं लाइक like, जिसके साथ अगर आपका बेस मेकअप बहुत ही जल्दी काला पड़ जाता है ऐशी दिखता है या आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहता है या कोई क्वेश्चन आ जाता है बेस मेकअप लगाने में कि सबसे पहले सिरम लगाएं या प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी होता है लाइक like, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ इन चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है आज के इस बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल में ठीक है आज की लुक में मैंने ना ही आइज़ को इंक्लूडेड किया है ना ही आईब्राउज को लिखे ठीक है बिकॉज यूजअली हम पूरी फुल फ्लेज मेकअप लुक ट्यूटोरियल में आप लोगों साथ शेयर रहती हूं लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे इन चीजों के रिलेटेड आते हैं जिनके बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है ठीक है सिंपली so, बहुत कम करेंगे जल्दी से हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस बेसिक मेकअप वाले ट्यूटोरियल को ओके okay जी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका क्या काम होता है जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में रिपीट करती रहती हूँ कि आपको अगर अच्छा फ्लॉलेस बेस चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि अगर आपका बेस ही बहुत ज़्यादा उखड़ा रहेगा केकी दिखेगा या पैची दिखेगा या समटाइम क्या होता है बहुत ही जल्दी आपका फाउंडेशन जो होता है समटाइम्स बहुत काला पड़ना शुरू हो जाता है ठीक है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो किस वजह से होता है वो इसलिए होता है बिकॉज आप अपनी स्किन को वॉश नहीं करती हो लाइक अपनी डर्टी फेस के ऊपर ही तो उसको इंस्टेंटली हमें रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है होता है तो मैंने अभी इंस्टेंटली अपने फेस को अच्छे से वॉश किया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके जी फेस वॉश करना सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है सेकेंड होता है आपने टोनर यूज करना है. ओके सो मार्केट में वैसे तो बहुत ही ज़्यादा टोनर्स की वैरायटी आपको मिल जाएगी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो अच्छे ब्रांड का आप रोज़ वाटर ले सकते हो सो so, मैं यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज मेरी ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन है सर्दियों में इट्स नॉर्मल एक्ने प्रॉन स्किन लेकिन गर्मियों में ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन बट स्टिल कभी ना कभी हेयर एंड देयर मुझे एक्ने वगैरह पिम्पल वगैरह होते ही रहते हैं सो so, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करूँ जो मेरी स्किन को काम करने के साथ साथ मेरी स्किन के ऊपर Uh, you know, uh, उस uh, इश्यू को भी टारगेट करे जो uh, जो कि मुझे ज़रूरत है लाइक like, मेरी स्किन को फ्रेश तो करे ही करे लेकिन उसी के साथ अगर मेरी स्किन के ऊपर एक्ने वगैरह है तो उसको भी हील करने में हेल्प करे सो so, जूसी केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक बाय नेचर हंड्रेड परसेंट ऑर्गेनिक ऑस्ट्रेलियन टी ट्री एंड बल्जेरियन रोज वाटर लेने वाली हूँ मैं यहाँ पे बेजल वाटर नॉट बल्जेरियन बिकॉज इससे पहले मैं बल्जेरियन यूज करती थी तो मुझे वही मूड पर चढ़ा हुआ है सो दिस इज़ नॉट अ बल्जेरियन रोज वाटर दिस इज अ टी ट्री एंड बेजल वाटर ठीक है ये स्पेशली है फॉर एक्ने कंट्रोल ठीक है अगर आपको भी एक्ने वगैरह रहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ये बहुत ही बढ़िया है जैसे कि मैंने बोला अगर नहीं तो आप ओब्वियसली सिंपली आप रोज वाटर तो यूज कर ही सकते हो बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक अगर आप टोनिंग करते हो अगर आपकी स्पेसिफिकली ऑयली स्किन है तो वो आपके बेस मेकअप के लिए एंड इनफैक्ट आपके स्किन के लिए भी बढ़िया ही रहती है तो जब भी टोनर अप्लाई करो तो कुछ टाइम लो ताकि आपका जो टोनर है वो स्किन में अब्जॉर्व हो, हो सके हो सके ठीक है तो इसके साथ क्या है आपके एक तो पोर्स वगैरह श्रिंक हो जाएंगे ठीक है आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रहेगा एंड अफकोर्स आपकी स्किन को एक रिफ्रेशमेंट मिलेगा ठीक है जिनकी ऑयली स्किन है जिनका बेस मेकअप बहुत जल्दी काला पड़ जाता है तो उनके लिए बहुत जरूरी जरूरी है ज़रूरी है ये कि फेस वॉश करने के बाद अब टोनर जरूर से अप्लाई करो ओके जी टोनर अप्लाई कर लिया है हमने अब हम अप्लाई करेंगे सिरम और सिरम हमेशा मॉइस्चराइजर से पहले अप्लाई जाता है ठीक है तो हम अप्लाई करेंगे सीरम 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 के लिए आप कोई भी ले सकते हो आज मैं यहां पे यूज करने वाली हूं पॉन्स का वाइट ब्यूटी विटामिन सी सीरम यू कैन सी है सी ठीक है अब हम इसको अच्छे से मसाज करेंगे अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप हाइड्रोनिक एसिड वाला सीरम अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं अगर आपकी स्किन ब्राइट नहीं है तो आप विटामिन सी बेस्ड सीरम्स यूज़ कर सकते हो ठीक है तो सिरम अप्लाई कर लिया है मैंने और सिरम जो है बहुत ही जल्दी मेरी स्किन में पेनेट्रेट हो चुका अब मॉइस्चराइजर अप्लाई करने का टाइम आ गया है तो अगर आपकी स्किन बहुत बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप किसी भी फेशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हो बिफोर मेकअप सो तो किसी भी फेशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन नॉर्मल कैटेगरी में आती है लाइक ऑयली टू तो नॉर्मल कैटेगरी में आती है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ले सकते हो अगर आपकी स्किन वेरी 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 ड्राई स्किन में आती है तो आप मॉइस्चराइजर एंड फेशियल ऑयल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो चीज़ें आपके स्किन टाइप के ऊपर भी डिपेंड करती है ज़रूरी नहीं है कि अगर आ, किसी भी इन्फ्लुएंसर के जिसको आप देखते हो किसी यूट्यूबर को जो प्रोडक्ट सूट कर रहा है वो आपको भी सूट करे या किसी भी फैमिली मेम्बर पे के, के पास जो प्रोडक्ट है वो उसको सूट कर रहा है तो वो आपको भी सूट करे ठीक है तो स्पेशली हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली ही हमें अपने प्रोडक्ट्स चूज करने होते हैं ड्राई स्किन के लिए अलग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं ऑयली स्किन के लिए अलग होते हैं सो so, मैं यूज़ करने वाली हूँ रिवाइट लिफ्ट लॉरिगल का हाइड्रोनिक एसड प्लम्पिंग क्रेमडे यू कैन सी दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक ये मॉइस्चराइजर सभी स्किन टाइप्स को बहुत ही अच्छे से सूट कर जाता है सो so, अगर आपकी ऑयली स्किन है ड्राई स्किन है कोई भी स्किन टाइप है सभी के लिए ये मॉइस्चराइजर इज परफेक्ट कोई भी प्रोडक्ट लगाओ जो स्किन केयर के साथ रिलेटेड हो या मेकअप भी हो तो हमेशा अपनी नेक के ऊपर भी जरूर से अप्लाई करो जैसे कि आप देख सकते हैं जो मॉइस्चराइजर है मैंने अप्लाई किया वो अभी भी मेरी स्किन के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को ठीक है तो इसीलिए जो सीरम होता है वो पहले अप्लाई किया जाता है बिकॉज जो सीरम होता है वो डीपली आपकी स्किन में पेनिट्रेट होता है एंड वो जल्दी पेनिट्रेट हो जाता है उसके ऊपर आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना पड़ता है बिकॉज मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी इन अ वे थोड़ी सी थिक होती है आ, सीरम के मुकाबले तो इसलिए सबसे पहले आप सीरम अप्लाई करोगे उसके बाद आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे दिस मॉइस्चराइजर इज सो 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 गुड क्योंकि ये एक अच्छे प्राइमर का काम भी करता है लाइक आपकी स्किन को बहुत ही स्मूद सॉफ्ट एंड यू कैन सी बहुत ही अच्छा ये ग्लो प्रोवाइड करता है विच लुक सो गुड एंड आपकी स्किन लाइक अच्छे से एक हेल्दी लुक आपको मिलती है ठीक है तो स्किन हल, हेल्दी सभी को अच्छी लगती है मेकअप तभी अच्छे लगेगा जब आपकी स्किन हेल्दी बनी रहेगी आप एक्ने मार्क्स को छुपा सकते हो आप यू नो मेकअप के साथ हर को कंसील कर सकते हो लेकिन अगर आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी ड्राई रहेगी तो आपका फाउंडेशन बहुत जल्दी केकी हो जाएगा पैच बनने शुरू हो जाएंगे समटाइम्स तो फ्लेकी स्किन होनी शुरू हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से अपनी स्किन को पांच मिनट दो मेकअप करने से पहले ओके सो सुनाओ इट्स अप टू यू अगर आप प्रेफर करते हो कोई भी आई क्रीम लगाना लाइक अगर आप समाइम्स बहुत सारे लोगों का जो अंडर आई एरिया होता है बहुत ही ड्राई रहता है जब जिनकी बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस रहती है तो वो लोग प्रेफर कर सकते हैं आई क्रीम जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है ये बायोटिक की आलमंड आई क्रीम यू कैन सी बायो आलमंड ठीक है अब इट्स अप टू यू चाहे आप अप्लाई करो चाहे ना करो बट अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है अनड्राई एरिया के पास तो मैं बोलूँगी कि आप डेफिनेटली कोई अच्छी आईक्रैम अप्लाई करो ओके जी स्किन केयर हमारी प्रॉपर कंप्लीट हो चुकी है अभी हम अप्लाई करेंगे प्राइमर प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्राइमर की कोई ज़रूरत है ही नहीं फाउंडेशन लगाने से पहले या मेकअप में प्राइमर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप अच्छा प्राइमर अप्लाई करते हो ना तो आपका फाउंडेशन बेस उतना ही अच्छा लगता है स्किन के ऊपर तो जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्राइमर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे लाइक बहुत अफोर्डेबल में भी बहुत महंगे में भी मिल जाएंगे सो जैसे कि यह है मेरे पास मेब्लिन फिटमी का ड्यू प्लस स्मूथ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए

आपकी स्किन के पास ना यहाँ पे जैसे होल्स गड्ढे होते हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं ठीक है फाउंडेशन उनको फिल नहीं कर पाता कि वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा आपके लगता है वो एरिया जहां पे स्पेसिफिकली आपके पोर्स रहते हैं ठीक है तो उसको फिल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी स्मूद सॉफ्ट एकदम ब्लरी इफेक्ट आपको चाहिए फिल्टर लाइक लोग अगर आपको चाहिए तो आपको प्राइमर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ठीक है तो प्राइमर वैसे बहुत तरह के आते हैं मेरे पास हर तरह का प्राइमर लाइक सौ से लेके आई थिंक बारह सौ से लेके मतलब नहीं कितने कितने वाले मेरे पास प्राइमर्स पड़े हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्राइमर चूज कर सकते हो अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो आप मेटिफाइंग प्राइमर्स ले सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है थोड़े हाइड्रेटिंग प्राइमर्स ले सकते हो अगर आपकी स्किन के बहुत ज्यादा पोर्स हैं तो आप पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर्स ले सकते हो ठीक सो so, मैं यूज़ करने वाली हूँ आज की वीडियो के लिए वेटन वेल्ड का इम्पॉसिबल प्राइमर बेस इसको मैंने रिसेंटली ही परचेज किया एंड आई थिंक इट्स टोटली वर्थ बाइंग प्राइमर अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा यू नो पोर्स हैं आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं uh, या फिर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्स्चर है जो फाउंडेशन फिल नहीं कर पाता है इवन फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा वर्स्ट दिखना शुरू हो जाता है तो यू विल डेफिनेटली नीड अ प्राइमर गुड प्राइमर तो अगर आपने ये ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको के लिए अच्छा प्राइमर चाहिए you can see, इसका जो है ना, वो लिटरली एक सिलिकॉन वाला प्राइमर है बट इसके ऊपर जो मेंशन किया है, that is कि ये सिलिकॉन फ्री प्राइमर है ठीक है सिलिकॉन फ्री प्राइमर दैट डज इट ऑल लाइक अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस है जैसे कि मेरी यहां पे आप देख सकते हैं हल्की सी बहुत ही कम है बट स्टिल आई हैव फाइन लाइन्स सबको होती है बहुत ही नॉर्मल है कुछ लोगों को यहाँ पे स्माइल लाइंस होती है जब वो हंसते हैं तो वहां पे लाइंस पड़ जाती है ठीक है तो इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल फोर के ऊपर सम समटाइम्स कुछ लोगों को फाइन लाइंस होती हैं तो उनको लाइक like, थोड़ा सा स्मूद आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है ताकि आपका जो मेकअप है कंसीलर है पाउडर है जो भी मेकअप है आपका वो उनमें सेटल्ड होना शुरू हो ना जाए ठीक है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं प्राइमर और प्राइमर को कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई मत करो उसको मसाज मत करो रब मत करो जैसे कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक लिया है है लाइक मटर के दाने जितनी आपने लेनी पहले तो आपको को थोड़ा सा ऐसे मसाज करना रहता है वैसे आप प्राइमर को पूरे फेस के ऊपर लगा सकते हो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट स्टिल सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली हम प्राइमर लगाते हैं स्पेसिफिकली हमारे टीजोन एरिया के अराउंड थोड़ा सा मैं लगाऊंगी अपने अंडर आई एरिया के पास जहां पे थोड़ी सी लाइंस है मेरे बहुत सारे लोग जो होते हैं आई आई शेडो प्राइमर यूज करते हैं बट यू डेफिनेटली डोंट नीड दैट बिकॉज देखो अलग अलग प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है वैसे हाँ उन चीजों का फायदा होता है बट आपको इतनी जल्दी उन चीजों की जरूरत नहीं है इन, आप इस प्राइमर से भी काम चला सकते हो प्राइमर के पिगमेंटेशन स्किन है मेरी और मेरी स्किन के ऊपर एक्ने हैं क्या ये प्राइमर उसके लिए सुटेबल रहता है देखिए प्राइमर्स जो होते हैं वो पिगमेंटेशन को कवर नहीं करते हैं अनटिल अनलेस वो टेंटेड प्राइमर्स ना हो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास एक के ब्यूटी का प्राइमर है लेट मी शो यू सी दिस इज़ अ प्राइमर फ्रॉम के ब्यूटी आप देख सकते हैं ये एक इसमें ना लाइक like, आपको टिंट मिल जाता है येलो है इसमें ऑरेंज है ग्रीन है तो ये प्राइमर्स आपके हल्का सा कलर करेक्ट कर देते हैं थोड़ा सा उस टारगेटेड एरिया को बट लेट मी शो यू द कंसिस्टेंसी सी ये ऐसे येलो कलर में है सो दिस इज बेसिकली फॉर हाईट हाई लाइटिंग ठीक है लाइक like, थोड़ा सा अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा डल स्किन रहती है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो बट ये प्राइमर आपके पोर्स को फिल नहीं करता है इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करूँ तो ये मेरे जहाँ पे स्किन को थोड़ा डल है उसको थोड़ा सा ब्राइट करने में हेल्प करेगा ठीक है तो प्राइमर्स बहुत तरह के आते हैं कुछ हाइड्रेटिंग प्राइमर्स रहते हैं कुछ पोर फिलिंग प्राइमर्स रहते हैं लाइक कुछ लोगों के स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पोर्स नहीं रहते लेकिन उनको यू विल डेफिनेटली नीड अ प्राइमर लेकिन कौन सा प्राइमर ये आपको चूज करना है वेदर इट इज फॉर पोअर फिलिंग वेदर इट इज फॉर योर फाइन लाइन्स और फॉर मेटिफाइंग वट एवर यू प्रेफर ठीक है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू चूज दैट वन सी इधर मेरी स्किन जैसी है वैसी की है इधर थोड़ा सा ब्राइटनेस इसने ऐड किया है ठीक है तो बहुत सारा बहुत तरह के जैसे मैंने बोला प्राइमर्स अवेलेबल हैं तो आपको क्या चूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेकअप तो आपने बाद में करना है पहले तो आप अगर आपको नहीं पता है कि आपने कौन से प्रोडक्ट चूज करने हैं मेकअप के लिए तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी स्किन के ऊपर आपकी स्किन ड्राई है एंड उसके ऊपर आप बहुत ही मैटिफाइंग प्राइमर लगा रहे हो तो ऑब्वियसली ये तो फिर ऑब्वियस है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी आप फाउंडेशन लगाओगे अपने खराब बनाया है लाइक प्राइमर हमारा बहुत ही एक सॉलिड बेस रहता है फाउंडेशन के लिए अगर आप वो ही खराब लगाओगे गलत लगाओगे तो आपका पूरा प्रोसीजर फिर तो गलत जाएगा ही सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन टाइप जी प्राइमर लगाने के बाद आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगा सकते हो लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है लाइक मी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे माउथ के अराउंड थोड़ा सा डार्कनेस है थोड़ी यहाँ पे मार्क्स है इनको थोड़ा सा कैंसल आउट करना लाइक डार्कनेस को कवर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप यू नो शेयर कवरेज वाले अगर फाउंडेशन प्रेफर करते हो ठीक है आपको बहुत ज्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं अच्छे लगते तो अगर कलर करेक्शन किए बिना ही आप शेयर कवरेज वाले फाउंडेशंस लगा लोगे तो आपकी जैसे कि यहाँ पर जो मेरी ईवेंट्स गिन है यहाँ पे वो सही लगेगा लेकिन जहां पे मेरे पिगमेंटेशन है जहां पे डार्कनेस है वहां पे वो बहुत ही ज्यादा खराब लगता है ऐशी दिखता है काला दिखना शुरू हो जाता है ठीक है वो इसी वजह से आपकी अन जा, जाती है क्योंकि आपने पहले जो आपके इश्यूज हैं उनको कैंसिल आउट नहीं किया है ठीक है तो उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो जैसे कि अगर मेरी स्किन टाइप के अगर मेरी स्किन जितना आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है या डार्कनेस है तो आपको या तो आप ये वाला डार्क कंसीलर यूज कर सकते हो आपकी स्किन टोन से एक शेड अगर आप डार्क कंसीलर यूज करोगे तो फिर आप स्किन टोन के साथ परफेक्टली मैचिंग कंसीलर भी यूज कर लेते तो हो तो आपकी कैंसिल स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस है तो आप एक ऑरेंज करेक्टर यूज करोगे बेसिकली जो आपकी स्किन के ऊपर जितना भी पिगमेंटेशन उसको कैंसल आउट करेगा सो so, मैं यहां पे यूज करने वाली हूँ शुगर की फेस फॉरवर्ड करेक्टर स्टिकेड जीरो टू ऑनवर्ड ऑरेंज भी बहुत जरूरी है कि आपने बहुत ज्यादा कलर करेक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना है सी मैंने इतने डॉट डॉट करके अप्लाई किया अब मैं इसी को ब्लेंड कर लूंगी हल्का सा मैं नेक के ऊपर लगाऊंगी यहां पे यहां पे ठीक है और हम इसे पहले ब्लेंड करेंगे अगर हमें जरूरत लगेगी तब हम इसे और भी ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं सो so, आप अपनी फिंगर्स के साथ भी इसको ब्लेंड कर सकते हो बट मैं यूज करने वाली हूं पैक का टू वन नाइन कंसीलर ब्रश करेक्टर ब्रश या इसको मैं स्पेसिफिकली कंसीलर एंड करेक्टर के लिए ही यूज करती हूँ नेवर यूज स्पॉन्ज या फिर ब्यूटी ब्लेंडर ठीक है अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने के लिए क्योंकि आपको जितना पिगमेंटेशन को कैंसिल आउट करने के लिए जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आधा वो सोकअप कर लेगा ठीक है तो आप उसके चक्कर में और भी ज्यादा अप्लाई करोगे तो आपको और भी आ, हैवी आपका बेस जो होता है वो बहुत ही हैवी होता जाता है सो so, इसीलिए या तो आप ऐसा ब्रश यूज कर सकते हो या फिर आप अपनी फिंगर्स के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हो सी जितनी मुझे जरूरत थी उसे मैंने ब्लेंड कर लिया अब बाकी मैं इसी ब्रश को थोड़ा सा फैला दूंगी करेक्ट कर लिया है अभी हम फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड अगर आप गर्मियों में कलर करेक्टर करते हो ऑबियसली करता करना तो है ही चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो कलर करेक्शन यूज करते हो तो आपको इसको थोड़ा सा पहले लूज पाउडर के साथ सेटल करना है सेट करना है वरना आपके फाउंडेशन में ये मिक्स हो जाएगा ठीक है क्योंकि हमारी स्किन ऑयली रहती है उस टाइम पे बट अभी क्योंकि मेरी स्किन के ऊपर बहुत ही जल्दी से ये मैटिफाइंग हो चुका है लाइक इतना ड्राई इतना मुझे ऑयलीनेस या फिर मुझे इतना लग नहीं रहा कि ये फील नहीं हो रहा सो so इसीलिए मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी ओके okay जी फाउंडेशन हम हमेशा अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं अपना परफेक्ट अंडरटोन चूज करते हैं एंड परफेक्ट मैच यू चूज करते हैं अब सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मैटिफाइंग फाउंडेशन यूज करोगे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप थोड़े हाइड्रेटिंग फाउंडेशन चूज़ करोगे सो so, आज मैं यूज करने वाली हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन यू कैन सी एंड दिस इज कंसील एंड डिफाइन हाई कवरेज फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन एंड इसमें जो मेरा शेड है दैट इज एफ़ ट्वेल्व पॉइंट फाइव यू कैन सी एंड ये इतनी बड़ी जॉइंट बॉटल में आता है यू कैन सी एंड ये ना एकदम परफेक्टली रहता है किसी भी स्किन टाइप के लिए मोस्ट प्रोबेबली वो ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छे से रहता है लेट मी शो यू लुक एट द वड बहुत ही बड़ा सा इसका जॉइंट सा वॉन्ड है ठीक है तो इसके साथ पहले मैं डॉट डॉट करके फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी को हमेशा डॉट डॉट करके ही अप्लाई करो ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना कितना अप्लाई करना है अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन फाउंडेशन अप्लाई कर लोगे तो आपका फाउंडेशन कहीं पे बहुत ही ज्यादा आ जाएगा कहीं पे बहुत ही कम आएगा ठीक है अभी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए कोई ब्रश भी यूज़ कर सकते हो बट मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है एक ब्यूटी स्पॉन्ज के साथ यू कैन सी ये ब्यूटी ब्लेंडर है जिसको मैंने हल्का सा डैम कर लिया लाइक like, एंड कभी भी सूखा ब्यूटी ब्लेंडर यूज मत करो लाइक यू कैन सी एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है जिसके साथ मेरा फाउंडेशन जो बहुत ही अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा एंड फ्लॉलेस नहीं दिखेगा लेकिन डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपका फाउंडेशन बहुत ही जल्दी ब्लेंड भी होता है एंड वो प्रोडक्ट को भी कम सोकअप करता है फाउंडेशन अप्लाई करो या ब्लेंड करो तो उसको हल्का हल्का सा अपने हेयर लाइन में लेके जाओ इसके साथ आपका बहुत ही नेचुरल दिखता है सी मेरा फाउंडेशन कितनी जल्दी से ब्लेंड हो गया एंड कितना सुपरबली एंड कितना ये फ्लॉलेस uh, दिख रहा है लाइक like, आपके स्किन के ऊपर लग ही नहीं रहा मुझे मेरी स्किन के ऊपर लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई प्रोडक्ट लगाया है लाइक माय स्किन इज़ लुकिंग लाइक स्किन बट इवन बेटर वर्जन ऑफ माय स्किन सी अभी आप देख सकते हैं कि जितना मेरा स्किन है वो एकदम ईवन टोन लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मेरी स्किन के ऊपर यहाँ पर पिगमेंटेशन थी तो वो अलग से और ज़्यादा uh, डार्क दिख रहा है या मेरा फाउ फोर हेड अलग से दिख रहा है मेरी चीक्स अलग से दिख रही हैं मेरा चिन अलग से दिख रहा है ऐसा नहीं सब चीज़ें इवन टोन दिख रही हैं सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप मेकअप लगाओ तो सब चीज़ें एक जैसी दिखनी चाहिए लाइक नाउ यू कैन सी ये जो फाउंडेशन है ये बहुत ही ज़्यादा मैटिफाइंग है ठीक है अब क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो तीन चार घंटे में मेरी स्किन के ऊपर नेचुरल जो ऑयल्स है वो आ जाएंगे एंड मेरा जो मेकअप है वो बहुत ही ड्यू दिखना शुरू हो जाएगा लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो नेवर गो फॉर मैटिफाइंग फाउंडेशन ठीक है वो <laughs> कंसील करने की बारी आ जाती है कंसीलर यूज करने की बारी आती है तो कंसीलर्स के लिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ दो तरह के कंसीलर्स यूज़ किए जाते हैं एक होता है जो सिमिलर आपकी स्किन टोन के साथ रहता है एंड दूसरा होता है थोड़ा सा हाईलाइटिंग के लिए करेंगे like लाइक कुछ स्पेसिफिक एरिया के ऊपर आप हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई करते हो तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी ये वाला कंसीलर ये है मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर मल्टी यूज कंसीलर एंड इसमें माय शेड इज 144 फोर्टी कैरमल इसको अप्लाई करूंगी हल्का सा अपने अंडर आई एरिया के पास अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने मेरी आ, कंसीलर जो है वो ब्लेंड हो गया है एंड आप देख सकते हैं इनमें आप देख सकते हैं डिफरेंस यहाँ पे जो मेरी स्किन है वो थोड़ी सी डार्क है ठीक है या मेरा स्किन टोन है बेसिकली बट यहाँ पे थोड़ा सा जो कंसीलर है वो हाईलाइटिंग शेड मुझे प्रोवाइड कर रहा है मैंने अपना अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है अभी मुझे आ, थोड़ा चाहिए कि थोड़ा हाईलाइट लगे मेरा अनड्राई अं एरिया तो उसके लिए मैं एक शेड लाइटर यूज करूंगी फ्रॉम माई स्किन टोन तो मैं यहां पर यूज करनी कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलेबल फुल कंसीलर इन दि शेड आलमंड थ्री वन सेवन आलमंड बट आई एम नॉट गो अप्लाई टू मच क्वान्टिटी लाइक जैसे मैंने अर्लियर अप्लाई किया था पहले वाला कंसीलर जो कैरमल uh, uh, शेड जो मेब्लिन का वो मैंने थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में अप्लाई किया था बट इसको मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करूंगी बिकॉज हाइलाइटिंग कंसीलर को आप जितना कम अप्लाई करोगे उतना ही वो अच्छा रहता है अच्छा दिखता है बेसिकली सी कितना कम मैंने अप्लाई किया तभी ये मेरी स्किन के ऊपर कितना अच्छा हाईलाइटिंग इफेक्ट दे रहा है सो so, बहुत सारे लोगों को लाइक like, मैं भी पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग कंसीलर जो होते थे वो टी जोन एरिया के राउंड यहाँ पे लगाती थी लेकिन बाय द टाइम मुझे अभी समझ आ गया है कि वो मेरी स्किन के ऊपर इतना अच्छा नहीं लगता है इवन मुझे ऐसा लगता है कि वो अलग से मेरी स्किन दिखना शुरू हो जाती है सो so, इसी मैं यहाँ पर अवॉइड करती हूँ एंड स्पेसिफिकली मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने अंडर एरिया के अराउंड अब मैं अपने पूरे फेस को थोड़ा सा पाउडर सेट कर लूँगी हल्का सा बहुत ज़्यादा नहीं बट स्पेसिफिकली मैं सेट करूँगी अपने कंसीलर को बिकॉज़ कंसीलर की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रहती है तो वो बहुत जल्दी चांसेस रहते हैं कि वो कंसीलर आपकी क्रीज़ करना शुरू हो जाता है सो मैं यहाँ पर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर एंड अपने कंसीलर को पहले सेट कर लूँगी एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैकमे का प्राइमर प्लस प्राइमर प्लस मैट पाउडर फाउंडेशन शेड नेचुरल आलमंड करूंगी अपने फेस को कॉन्टोर यू कैन सी अभी मैंने यहाँ uh, सो so, मैं यूज़ करने वाली हूँ शुगर की कॉन्टोर डिफोर्स फेस पैलेट यू कैन सी और आप इन इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें आपको तीन तीन प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं यू कैन सी ठीक है कॉन्टोरिंग हाईलाइटर एंड ब्राउन्जर वट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्टोरिंग हाईलाइटर एंड ब्लशर ठीक है तो इसको हम यूज करेंगे पहले हम लेंगे ये कॉन्टोर एंड अपनी चीक बोन को चीक बोन के पास थोड़ा सा फोरहेड के पास यहां पे, बेसिकली कॉन्टोरिंग या फिर ब्रॉन्जिंग स्पेसिफिकली जैसे ये ब्रॉन्जर के जैसे काम कर रहा है तो ये मेरी स्किन में एक वार्म ऐड करेगा लाइक like, पूरा जो मेरा फेस है वो बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है अभी फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद जो कि बहुत ही मेडअप सा दिख रहा है लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ब्राउनजर अप्लाई करूंगी जो कि शेडो क्रिएट करेगा तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा नेचुरल दिखता है एंड आपके जो फीचर्स है यू नो आपका जो डायमेंशन मिलती है उनको तो वो थोड़े से अच्छे लगते हैं जैसे कि आप देख सकते मेरा नाक थोड़ा मोटा है तो उसको थोड़ा सा हम पतला दिखाने के लिए अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लश मुझे क्योंकि लुक अच्छी लगती है ब्लशेस की तो मैं चीक्स के ऊपर चीक्स के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगता तो बस यहां पे प्लेस कर सकते हो ब्लश को बट पर्सनली आई डोंट लाइक दैट मुझे फुलर लुक ज्यादा अच्छी लगती है सा नाक के ऊपर अभी अप्लाई करते हैं हाइलाइटर लेकिन मैं ये हाइलाइटर अप्लाई नहीं करूंगी बिकॉज ये बहुत ही वाइट टोन में है ये सटल समिट शेड है शुगर के इस फेस पैलेट का इसमें अनदर शेड भी आता है विविड विक्ट्री उसका शेड काफ़ी अच्छा है वो गोल्डन टोन में है वो काफ़ी अच्छा लगता है मेरी स्किन के ऊपर बट मैं यूज़ करने वाली हूँ अपना फेवरेट वेट एंड वाइल्ड का ये बेग्ड ब्लश हाईलाइटर यू कैन सी हाइलाइटर हम अप्लाई करते हैं अपने हाई पॉइंट एरियाज के ऊपर सी और हाइलाइटर को अपने आप बॉडी के ऊपर भी ऑब्वियसली अप्लाई ज़रूर से करो बिकॉज जो ग्लो रहता है वो सिर्फ स्किन के ऊपर ही नहीं बॉडी के ऊपर भी रहता है so, इसलिए सिर्फ थोबड़े को ही चमकाना नहीं जरूरी है तो हर चीज चमकनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना अप्लाई दिस सेटिंग मिस्ट अभी सेटिंग मिस्ट अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस स्टेप के ऊपर यू नो क्योंकि अगर आप अपने पूरे पाउडर्स को सेट कर लोगे ना तो जब तक आप अपना आई मेकअप करते हो या कुछ भी अप्लाई करते हो तब तक वो और भी ज्यादा नेचुरल एंड मेल्टाउन हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा नेचुरल दिखते हैं ठीक है सब तो कोई सेटिंग स्प्रे ले सकते हो या आप ले सकते हो थोड़ा सा मैटिफेंग सेटिंग मिस्ट या फिर आप ड्यू ले सकते हो मैं आज यहाँ पर यूज करने वाली हूँ ग्रैंड फिनाली ड्यू सेटिंग मिस्ट बिकॉज मैंने ऑलरेडी मैटिफेंग फाउंडेशन अप्लाई किया है ठीक है तो अभी सर्दी के टाइम में आई डोंट प्रेफर कि बहुत ही ज़्यादा मैटी मैटीसी लुक मैटी -मैटी -मैटी सी लुक मिले सो तो इसलिए मैं यहाँ पर ड्यू सेटिंग मिस्ट ले तो दूर रख के हमेशा स्प्रे करो एंड अपनी आइज को क्लोज रखो So, इसके साथ इसके साथ मैं हल्का सा ऐसे करके इसको पैड कर देंगे ठीक है इसके साथ क्या होगा एक्स्ट्रा जो भी प्रोडक्ट रहेगा ना पाउडर प्रोडक्ट वो हमारे स्पॉन्ज में आ जाएगा एंड हमारा बेस जो है वो बहुत फ्लॉलेस दिखेगा बट बहुत ही आराम आराम से कीजिए से जितना एक्सेस था वो इसमें आ गया है एंड हमारा जो बेस मेकअप है और भी ज्यादा नेचुरल एंड फ्लॉलेस दिख रहा है सो दैट्स इट फॉर टू वीडियो का आई होप आप लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा अगर आप लोगों ने इस ट्यूटोरियल को एंजॉय किया है अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है डोंट वर्गेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आगे भी कोई आपकी क्वेश्चन कोई सजेशन कोई क्वेरी है वो आप नीचे श्योरली कॉमेंट डाउन कर सकते हैं एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन टिल देन बाय एंड टेक केयर